फतेहाबाद में गीता जयंती कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला। नगर निगम चुनाव को लेकर बोले बराला, कहा बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी ने वोट डालने का बनाया है मन। कहा प्रदेश में शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है चुनाव, मतदाताओं को दी बधाई। अभय चौटाला के द्वारा गीता जयंती कार्यक्रम में सरकार द्वारा पैसा किया जा रहा है बर्बाद के बयान को लेकर बोले बराला, कहा गीता एक महान ग्रंथ है, इसके लिए सरकार के द्वारा दोगुना और तिगुना पैसा भी किया जाए खर्च तो वो भी है कम। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे ये जो 3 दिवसीय गीता जयंती का जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ है, इस अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला है। और ये जितने भी यहाँ पर जन आए सबके लिए बहुत एक विशेष अवसर है। और मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा की सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने गीता जयंती महोत्सव तो पहले भी होते थे लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गीता इस प्रकार का ग्रंथ है जो जीवन जीने की जो पद्धति होती है उसका हमें ध्यान करवाता है। गीता ज्ञान भी है, गीता विज्ञान भी है, और ये ज्ञान और विज्ञान ये केवल ये भारत भूमि पर रहने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है, बल्कि इस दुनिया के अंदर जो पूरी मानव जाति है उसके कल्याण के लिए है और उसके कल्याण का एक रास्ता हमें दिखाता है। कि ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो पूरे प्रदेश में और खास करके दुनिया में भी कई स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, आज उसी श्रृंखला का ये हमारा जिला स्तरीय फतेहाबाद जिले का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया, जिसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम यहाँ पर चलने वाला है और मैं हरियाणा सरकार को और जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें या सब अन्य जिलों की बात करें, वहाँ पर इसका करवाया है। इसके माध्यम से जो गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था और गीता में खास करके वो जीवन जीने की एक पद्धति हम सब लोगों को उन्होंने दी, गीता एक ज्ञान है, विज्ञान है, इसके दर्शन जो भगवान कृष्ण ने हमें करवाए, ये सरकार के प्रयासों के कारण से ये आम जन तक पहुँच रहा है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। 5 जिलों में जिस तरह से नगर निगम और मेयर के चुनाव हैं, किस तरह से देखें, क्या देखिए, अब वोटिंग चल रही है और मैं एक बात समझता हूं और पहले आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूं आम जन को जो इन 5 नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं कि वो जब तक मतदान चलता है इस मतदान के अंदर पूरी गंभीरता के साथ हिस्सा लें। और अब दोनों ने मन भी बना लिया है और मन भी इस प्रकार का बनाया है कि जिस प्रकार की सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उसके आधार पर आम आदमी अपने मत का प्रयोग करेगा और एक शांति से सब जगह मतदान चल रहा है। इसके लिए मैं आम जन को, वहाँ के मतदाताओं को बधाई भी देता हूँ। क्या लगता है आपके प्रत्याशी जो उतारे गए हैं जीत कर? देखिए अब तो वो जो लोगों का मत है, वो जो मशीन है,
उसके अंदर जाना शुरू हो गया है, इसलिए चुनाव के दिन में इस प्रकार की टिप्पणी मुझे नहीं लगता मीडिया के सामने करनी चाहिए। 5 बजे के बाद आप किसी भी प्रकार की टिप्पणी ले सकते। अबे चौटाला का कहना है कि जो गीता जयंती समारोह जो हर साल किया जाता है, जनता का पैसा वेस्ट किया जा रहा है। देखिए अभय चौटाला को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग जिस प्रकार से जनता के पैसे की बर्बादी करते थे आप लोगों के समय में, वो अनुचित थी। गीता के प्रसार के लिए, जो गीता जीवन जीने की पद्धति दुनिया को बताता है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसके प्रसार प्रचार के लिए अगर और पैसा भी खर्च करना पड़ा तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा 2 गुना 4 गुना 10 गुना भी इससे ज़्यादा पैसा खर्च करके अगर गीता के ज्ञान का प्रसार हो तो वो भी सरकार को करना चाहिए।